सरप्राइज भी आएगी कहीं बाहर शिफ्ट होने का टोटल इनकम सारा गालिया 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 प्योर फ्यूचर कर तो कल ही आ जाएगी हिंदी की ये वो हैंडल नहीं कर पाती ज़्यादा तो एक फ्रॉड हुआ था इस फ्रेंड कौन है हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो सो so, आज के वीडियो क्या होने वाले वो तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ अपडेट एंड क्यू एन ए टाइप क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे तो वो उसका भी मैं आज रिप्लाई करने वाली हूँ तो चलो शल चलते हैं एंड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं इस साल के एकदम शुरू से तो आ, फ, साल के शुरू में ही मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था इस बार तो मैं बहुत मेरा लॉस हो गया था उसमें थर्टी थाउजेंड मेरा लॉस हुआ था मतलब कैसे हुआ था मैं आप सबको बताऊंगी आज मैं सोची थी बताऊंगी बट बत मैं बता नहीं पाई एंड हम लोगों का ऐसे कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ मैं कुछ पर्टिकुलर क्यू ए टाइप वीडियो भी नहीं बनाई थी तो मैं सोचा कि आज शेयर कर देते हैं सारा सब कुछ जो जो भी मैं आप सबको नहीं बता पाई हूँ तो चलो शुरू करते हैं एंड हाँ तो जो मैं बोल रही थी तो वो फ्रॉड ऐसा हुआ था कुछ Uh, के, uh, uh, मेरे पास एक uh, अचानक कॉल आता है दोपहर को के आप नायका हम नायका से बोल रहे हैं एंड uh, आप नायका से बहुत सारी चीजें परचेज किए उनके पास पता नहीं था डिटेल्स कहाँ से था कि आपका नंबर ये है आप इस नंबर से आपका ओपन अकाउंट वगैरह फिर आप इतने परचेज किए तो आपको मिलता है कुछ गिफ्ट उस गिफ्ट को लेने के लिए आपको दस हजार ऐसा कुछ शॉपिंग करना पड़ेगा एंड उसमें से भी फिफ्टी परसेंट आपको ऑफ मिलेगा और साथ में आप गिफ्ट भी चूज कर सकते हो गिफ्ट में गिफ्ट में था फ्रिज आईफोन टीवी वगैरह तब मेरा दिमाग पता नहीं क्या था मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं पागल थी या क्या थी मुझे नहीं पता तो मुझे मैं चूज़ की थी टीवी एंड फिर ऐसा हुआ कि वो शॉपिंग करने को बोले एड टू कार्ट करके उसको फोटो भेजने को बोले फिर मैं एड टू कार्ट करके दस हज़ार ऐसा कुछ आइटम मैंने एड टू कार्ट किया देन तो उसको फोटो भेजा स्क्रीनशॉट देन स्क्रीनशॉट तो भेजने के बाद वो बंदी बोलती है कि आप पेमेंट कर दो मुझे फिर मैं उस ऑर्डर के साथ लिंक कर दूंगी आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा अपने आप ही ऑर्डर हो जाएगा वो तो मैं पेमेंट कर दी दस हजार ऐसा कुछ फिर वो बंदी बोलती है कि जीएसटी वीएसटी कट हुआ है पेमेंट नहीं हुआ है तो आप फिर से भेज दो पेमेंट एंड आपको रिफंड मिल जाएगा मैं पता नहीं कौन सी गधी थी या क्या थी मैं अपने आप को गाली देने की मन करती है कि मैं किसी से पूछी भी नहीं थी ये सही है इन्फॉर्मेशन या गलत है एंड वो एक आईडी भी भेजा था जिसको देख के लगा था मुझे हाँ शायद सही होगी बट वो नंबर मुझे शायद एक बार ट्रू कॉलर में सर्च कर लेना चाहिए था कि मैं एक नंबर ट्रू कॉलर में सर्च भी की थी उसमें कुछ स्कैम मैम नहीं था बट और एक नंबर था वो सर्च करना भूल गई थी उसमें स्कैम पूरा ट्रू कॉलर में ही दिख जाता मुझे फिर उसको फिर से मैंने पेमेंट कर दिया टोटल मिला के मैंने थर्टी थाउजेंड पेमेंट की थी उसको फिर वो बंदी बोलती है फिर से नहीं हुआ फिर से करो फिर मैंने फिर मेरा दिमाग खटका कि कुछ तो, कुछ तो तो गलत है कुछ तो ऐसा कुछ सही नहीं चल रही है ऐसे तो कोई होती नहीं है फिर मैंने उसको पूछा ऐसा ऐसा फिर मैं किसी और से कॉल करके पूछा फिर वो बोलता है कि ये स्कैम पागल है ऐसा पैसा कौन दे देता है किसी को फिर मैं उसको गाली दिया बहुत दो तीन गाली दिया फिर मैंने बहुत कुछ बोला मैं सोची भी थी साइबर क्राइम में मैं रिपोर्ट कराऊंगी बट ऐसी हुई कि मैं बोला देखो यार गया है गया है पैसा चला गया अब उसको तो वापस ला नहीं सकते हैं एंड हम साइबर क्राइम करेंगे तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा तो ऊपर भगवान देख रहा है तो जो होगा अच्छे के लिए होता है बट अच्छे के लिए ये तो ज़्यादा ही कुछ अच्छा हो गया थर्टी थाउजेंड चला गया मेरा थर्टी थाउजेंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार किसी किसी का मंथली सैलरी मिलता है थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड बहुत बड़ा अमाउंट है मुझे पता है तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं मैं रोई भी थी बहुत ज्यादा मैं बोला क्या कर सकते हैं अब कुछ कर तो नहीं सकते जा चुके मेरी गलती की वजह से ही है फिर वो हुआ फिर मैं बोला कि अरे यार ऊपर वाला देख रहा है उसका उसका ये फ्रॉड कब तक चलेगा कभी ना कभी तो होगा फिर उसका कॉल बार बार आता रहा मुझे बार बार उसके बार उसके बाद भी बहुत आया था फिर मैंने उसको इग्नोर किया तो कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था मेरे साथ इस साल का बहुत ही टाइप का थी वह पता नहीं कैसी गई है शुरू में ही ऐसा ही ये सब हो गया तो मैं सोचा अरे यार इस साल पूरा बेकार ही जाएगा मुझे लगता है तो जनवरी में ऐसा कुछ जनवरी के डेट तो याद नहीं है बट ऐसा कुछ टाइम पे हुआ था मेरे साथ ये अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड उसका आंसर करूँगी तो शुरू का तो बता दिया ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था मेरे साथ एंड क्वेश्चन uh, के साथ साथ लाइफ अपडेट भी मैं देती रहूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ने क्वेश्चन किया है आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करते हो एंड आप, आप इतने सुंदर क्यों बहुत क्वेश्चन आता है आप इतने सुंदर क्यों हो आप इतने सुंदर क्यों यार मैं सुंदर क्यों मुझे तो नहीं पता मैं तो खुद को बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती हूँ एंड आप लोगों को लगती है तो लगती है मैं तो खुद को मेरे से सुंदर तो बहुत लड़किया हैं मुझे पता है बट मैं उतना सुंदर नहीं हूँ बट आप सबको लगता है तो पता नहीं मेरी मम्मी सुंदर है इसी वजह से शायद मैं सुंदर हूँ एंड सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ एक मैं आप लोगों शेयर बेसिकली सुंदर तो मुझे पता नहीं मैं क्यों हूँ भी या नहीं। बट स्किन का तो ख्याल मुझे रखना पड़ता है तो मैं धूप में जाती हूँ तो उससे पहले तो एक सनस्क्रीन मस्ट यूज करती हूँ तो वो है सनस्कूप का सनस्क्रीन तो चलो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ पहले कि क्या है क्या नहीं मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ ये है सनस्कूप का इनविजिबल सनस्क्रीन ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है इसको आप एज ए प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई वाइट कास्ट भी नहीं है एंड ये एस पी एफ फोर्टी है एंड पी ए प्लस 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 है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है एंड ये हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ भी बना देता है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये बना हुआ है विटामिन ई e, आर्गन ऑयल एंड मोनोई ऑयल से जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखता है नेक्स्ट है सनस्कूप का ही हाइड्रेटिंग फ्लूड फेस एंड बॉडी सनस्क्रीन ये एस पी एफ सिक्सटी है एंड ये हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग रखता है और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है एंड वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है एंड ये भी डरमाटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसका टेक्सचर है वाटर बेस्ड इसको आप बस एक या दो इंच डिस्टेंस पे आपके बॉडी पे स्प्रे कर लो एंड मसाज कर लो एंड ये बना हुआ है कैमोमाइल एलोवेरा ओट मिल्क एंड रोजमेरी से जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है एंड यू वी से भी बचाता है तो इस अगर आपको ये सनस्क्रीन परचेज करना है तो मैं यहाँ पे कूपन कर मेंशन किया हुआ कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे दिया और जल्दी से जाके बाय कर लो तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइफ like कैसे काट रहा है तो मेरी लाइफ तो ऐसे अप्स एंड डाउन चलती रहती है यार लाइफ तो चल रही है बस कुछ अच्छी नहीं चल रही है बट ठीक ठाक चल रही है कुछ बुरा भी नहीं है कुछ अच्छी भी नहीं है ठीक ठाक हाँ तो अब नेक्स्ट है आपकी फेवरेट पर्सन कौन है प्लीज रिप्लाई करना दी मेरी फेवरेट पर्सन मेरी मम्मी पापा एंड भैया है फैमिली इज लव गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज टेल अस अबाउट योर टोटल इनकम तो मेरी टोटल इनकम के मैं बात करूं तो अभी तो देखो आपका अगर अकाउंट का रीच इतना रहेगा तो आप इतना कमा पाओगे बट आपका अकाउंट अगर गिर जाएगा रीच तो आप आपका इनकम भी गिर जाएगा ऐसा ऐस सीन है तो अभी ऐसा कमा दू कि आप मान लो कि मैं महीने में एक एंड्रॉयड फोन ले सकते हो आप ज्यादा महंगा वाला सैमसंग में मत चले जाना एक सस्ता वाला एंड्रॉय ले सकते हो ऐसा वाला हाँ तो एंड सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था जो कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ी थी इतना ज्यादा क्वेश्चन आया था आपका बॉयफ्रेंड कौन है बॉयफ्रेंड कौन है फाइनली मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी यार मेरा बॉयफ्रेंड कौन है एंड बहुत सारे ये भी क्वेश्चन आता है आप कहाँ रहते हो? मैं रहती हूँ बिष्णुपुर बैंकुड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है एंड मैं कोलकाता में नहीं रहती हूँ बहुत लोग पूछते हैं आप कोलकाता के कहाँ से हो मैं कोलकाता में बिल्कुल नहीं रहती हूँ एंड नेक्स्ट 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 आपको इंस्टा पर या अदर सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बाद आखिर पढ़ाई कब करते हो बेसिकली मैं बोल देती हूँ मैं पढ़ाई साल भर बिल्कुल नहीं करती हूँ एग्जाम के दो तीन महीने पहले ही पढ़ाई शुरू करती हूँ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना मेरे से इंस्पायर होके बट ऐसा ही होता है मैं क्या करूँ अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको किसी रियलिटी शो का ऑफर आएगा तो आप कौन सा रियलिटी शो में जाना चाहोगे तो बेसिकली पहले आ जाए कुछ भी रियलिटी शो का मौका आ मैं अच्छा जाए मैं ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए तो मैं हाजिर हूँ मैं तो रेडी हो जाने के लिए बट आए तो पहले यार नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लिसन टू योर हार्ट और माइंड देखो आपको हार्ट का भी सुनना चाहिए दिल का भी सुनना चाहिए एंड दिमाग का भी सुनना चाहिए पहले दिमाग दिमाग का सुन लो फिर दिल का सुन लो फिर दिमाग से सोचो कि क्या होगा फिर वो कर लो जो करना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कपल वीडियो बनाओ तब ग्रोइंग आएगी दी सबको यही अच्छी लगती है अब कपल वीडियो बनाने के लिए किसी को ढूंढ के लाऊंगी हमें वीडियो बनाने के लिए अरे यार सच्ची बोलो कपल वीडियो बहुत अच्छी चल रही है बट ऐसा नहीं है यार क्या करूँ अब सिंगल हूँ तो फिर ओ बॉयफ्रेंड बताने वाली थी ना लास्ट में बताऊंगी रुको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट्स यू वांट टू अचीव इन योर फ्यूचर देखो फ्यूचर ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो तो बेसिकली मैं फ्यूचर में तो सोशल मीडिया को ग्रो करना चाहती हूँ अभी पहले ग्रो करूँ अच्छे से देन मैं एक्टर बनना चाहती हूँ मतलब सीरियल वगैरह टी वी 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 में जाना चाहती हूँ वो सपना तो है मेरा बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं तो उससे पहले थोड़ा सा अपडेट लाइफ का दे देते हैं कि मैं बहुत बार देखती हूँ कि मैं लाइव आती हूँ या फिर कहीं भी जगह थोड़ा सा हेट कमेंट ज्यादा बढ़ गया है आई नो मुझे मेरे से ज्यादा हेड कमेंट बाकी दूसरों को मिलती है बट वो हैंडल कर लेते हैं बट मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ ज्यादा मुझे नहीं पता क्यों क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हटेड हूँ मुझे जल्दी दिल पे बुरा लग जाता है हर चीजें तो हाँ मैं बताना चाहती हूँ मैं कभी भी इंस्टा पे लाइव आती हूँ इतना सारा गालिया 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 पता नहीं वो लोग क्यों गाली देते हैं इतना मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्यों गाली देते हैं किस वजह से ना मैं उनका कुछ कुछ उनके उनके लिए कुछ बोली हूँ ना मैं उनको ना मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो गाली किस वजह से पॉजिटिविटी फैलाओ यार नेगेटिविटी क्यों हर टाइम तो यानी मैं कुछ गलत थोड़ी की हूँ जो मुझे गालियाँ पड़ गलत करूंगी तो ऑब्वियसली कोई भी कुछ बोलेगा बट नहीं क्यूँ ना तो ऐसा अच्छा नहीं होता किसी को भी गाली देना तो आप एक बार सोच रहे हैं जो भी देते हैं ये लोग मैं बाकी लोगों को सबको नहीं बोल रही हूँ जो ये सब करते हैं उन लोगों को बोल रही हूँ और आ रहा है एक सवाल कि आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है आप क्या हिंदी बोलती हो हिंदी की ये वो और एक कमेंट आती है बहुत ज्यादा कि आप बंगाली हो क्या आपको बंगाली बोलने में शर्म आती है आप हिंदी क्यों बोलते हो तो बेसिकली मुझे बंगाली बोलने में शर्म किस बात की आएगी मैं घर में ऑल टाइम बंगाली में ही बात करती हूँ इनफैक्ट बहुत लोग मेरे बंगाली जो फैंस हैं वो बोल रहे थे दी आप बंगाली में कुछ बनाया करो तो उनके लिए मैं एक सेपरेट चैनल भी बनाई हूँ तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बोल देती हूँ एक चैनल है बंगाली का अलग से मैं बनाई हूँ कुछ दिन पहले ही तो उसमें मैं बंगाली ब्लॉग डालती हूँ तो मुझे बंगाली बोलने में शर्म क्यों आएगी मैं शुरू से हिंदी बोलते आई हूँ एंड हिंदी में वीडियो बनाते आई हूँ तो मैं क्यों और भी मेरे फैंस हैं आधा मैं अगर बंगाली में मान लूँ तो आधा तो हिंदी फैंस है ना उन लोगों को बंगाली बिल्कुल नहीं समझ आएगी तो उन लोगों के लिए मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ एंड जो बंगाली है उन लोगों को हिंदी समझ आ जाएगी तो फिर क्यों दिक्कत एंड बहुत लोगों को ये भी होता है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है हाँ बाबा हिंदी मुझे अच्छी नहीं है मैं बार बार बहुत वीडियो पे बोल चुकी हूँ मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे सब आती है हिंदी में बट मुझे वो लड़का लड़की में कंफ्यूजिंग होता है जेंडर में थोड़ा सा वो हो जाती है क्योंकि मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में बस हिंदी पढ़ी थी बस फोर्थ स्टैंडर्ड में ही हमारे हिंदी का सब्जेक्ट थी फिर भी मैं इतना बोल पाती हूँ पता नहीं कैसे बोल लेती हूँ मुझे भी नहीं पता है इसीलिए मुझे नहीं आती आप जैसे हिंदी पढ़े हो आपको बंगाली नहीं पढ़ना आएगा अगर कोई मुझे हिंदी का एक लेटर पकड़ा देगा तो मैं शायद दो घंटे में उसको पढ़ के खत्म करूँ क्योंकि मुझे हिंदी उतना पढ़ना नहीं आता है मतलब जल्दी नहीं पढ़ सकती हूँ बट मुझे बंगाली का कुछ दे तो मैं जल्दी पढ़ दूंगी जैसे आप लोगों को अगर कोई बंगाली का कुछ देगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना वैसा ही मेरा सिस्टम है तो प्लीज़ आप लोग समझो कि मैं बोलने का ट्राई करती हूँ मैं सीख भी रही हूँ पहले मेरा हिंदी बहुत बेकार था बट अभी आई थिंक सो के थोड़ा सा ठीक हो गई है पहले से तो बेहतर है तो गाइस मैं सीख रही हूँ तो आप प्लीज़ जज मत किया करो इतनी जल्दी एंड मैं बंगाली में ब्लॉग बनाता हूँ अलग जगह बट यहाँ पे मेरा हिंदी का ऑडियंस है वो लोग बंगाली नहीं समझ पाएंगे इसीलिए मैं बंगाली में नहीं बनाती हूँ बस इतना ही बोलना था ये बहुत कमेंट आता है हिंदी बंगाली के वजह से तो इसीलिए बोल दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको कोई मूवी या फिर टीवी सीरियल में वर्क करने का चांस मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी साथ में मेरे फैमिली भी बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मूवी सीरियल में ऑफर मिलेगा तो कौन खुश नहीं होगा मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक तो मैं हिंदी में बता देती हूँ ये पूछे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो आप क्या करते हैं। तो मैं तो पहले एक घर खरीद दी मेरे पापा मम्मी भैया बाकी फैमिली के लिए घर के लिए आ, फैमिली के लिए बेसिकली घर तो है मेरे पास ये भी अच्छा है बट एक होता है ना अच्छा सा घर में रहो एकदम सब ठीक ठाक रहे Uh, बस वही और एक गाड़ी लेती क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हाँ बस और फैमिली के साथ घूमने जाती इधर उधर बस मस्त लाइफ और एक चीज जिन लोगों को पैसों की नीड है मैं उनको देती क्योंकि उनको सबसे हमारे से भी ज्यादा नीड है तो आई थिंक उन लोगों की हेल्प करती मैं अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा होता तो अपने अपने बाल परमानेंट स्टेट करवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो मैं परमानेंट स्टेट करवाई थी दो साल पहले तो मेरे मुझे तो तब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी बस एक ही प्रॉब्लम होती थी हेयर फॉल थोड़ी थोड़ी होती थी तो आप अगर करवा रहे हो तो करवा सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा हेयर फॉल होती है वो तो हर चीज़ में होती है यार अब क्या करें योर ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग एंड योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कब आएगी तो थैंक यू सो मच वैसे मैं कुछ ड्रेसिंग सेंस का मुझे कुछ पता पता नहीं है ठीक है आप बोल रहे हो तो अच्छा होगा आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट यूट्यूब कर रही हो आ जाएगी कुछ दिन में तो आपकी ग्लोइंग फेस का राज क्या है देखो अब ग्लोइंग फेस ये फेस वो फेस पिंपल आती है यार मुझे अभी दो दिन से नहीं आ रहे तो आप बोल दी हो ना अब कल ही आ जाएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना सारा ड्रेस क्या करती हो तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेस है आप लोगों को भी पता है कि मैं रील्स में आप लोग देखे होंगे तो इतना सारा ड्रेस तो मैं पहन नहीं पाती हूँ तो कुछ दिन पहले ही मैंने सारा वार्डरोब का सारा ड्रेस आधा ही मिनिमम ड्रेस मैंने निकाल दिया है एंड जो लोग पहन नहीं पाते जिन लोगों के पास कपड़ा नहीं है उन लोगों को मैंने दे दिया है अभी तक दिया नहीं है बट दे दूंगी एंड ऐसे भी पहले भी मैंने बहुत बार दे दिया है ऐसे ही क्योंकि मैं इतना ज्यादा ड्रेस रखे करूंगी क्या मेरे पास आते ही जा रहे आते ही जा रहे तो इतना ड्रेस का मैं करूंगी भी क्या है ना तो इसीलिए मैं दे देती हूँ जो मुझे नीड है सूट के लिए ज़रूरी है एंड जो मैं पहनूंगी इन फ्यूचर वो सब मैंने रख दिया है बाकी जो था बाकी मैंने दे दिया सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फाइव मतलब से फोर्टी तक बहुत कम वेट है यार नेक्स्ट uh, है वट्स योर फ्यूचर गोल एंड प्लान आई नो दिस इज द कॉमन क्वेश्चन मैंने बता दिया ये इसका की ग्रो करना है एंड आगे जाना है बहुत फिर एक क्वेश्चन है अजीब सा मैम अब आप ज्यादा मोटी लगने लगे हो बेसिकली मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं लगती हूँ कैमरा के सामने पता नहीं कितना हेल्दी दिखती हूँ आप बोलोगे आप कितने पतले हुए यार कुछ खा लिया करो बट मैं नहीं मोटी हूँ यार कम कैमरा में पता नहीं क्यों दिखती हूँ बट अच्छी बात है कैमरा में मोटी दिखना दी आपको एक्ट्रेस बनना है हा फॉर श्योर क्यों नहीं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आपकी कोई बहन है, है तो नेम क्या है नहीं मेरी कोई अपनी बहन तो नहीं है तो नेम भी क्या बताना नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होम टूर वीडियो कब आएगी होम टूर वीडियो जल्दी आ जाएगी क्योंकि होम टूर मैंने बहुत पहले एक बार पोस्ट की थी तब मेरी अलग सी होम थी अभी अलग सी हो गई मतलब रेनोवेट हो गई सेम तो हो घर तो सेम ही है बट अंदर की चीजें सारे रेनोवेट हो गई है तो मैं दुर्गा पूजा में आई थिंक शूट कर लूंगी क्योंकि तब सफाई वफाई होती है आप सबको पता ही होगा बंगाली के घर में तो तब मैं शायद शूट करके तभी अपलोड कर, कर दू नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्यूचर कार तो मुझे गाड़ी तो थार भी पसंद है हैरियर भी पसंद है क्योंकि दोनों ही ब्लैक है और भी ब्लैक है पता है बट औकात में ये दोनों ही है तो देखते हैं कब ले पाते आप लोग शेयर करो यार वीडियो को ताकि जल्दी जल्दी ले लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप फेमस नहीं होते तो फ्यूचर प्लान क्या था और आप फेमस होने के बाद क्या है तो अगर मैं फेमस नहीं होती तो शायद मैं पढ़ाई करती कंटिन्यू एंड जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट करना पड़ता फैमिली के लिए तो वो करती बट अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए मुझे एंड पाओ थैंक यू गाइस लव यू गाइस फोन बगल में रख के कभी सारा घर ढूंढा है नहीं यार फोन बगल में रख के नहीं ढूंढा है बट ऐसा हुआ है कि मैं नीचे फोन रख के किसी के घर चली गई ना मतलब बाहर चली गई फिर आके मैं देखती हूँ मेरा फोन गायब है मैं बहुत ज्यादा ढूंढा हूं इधर उधर फिर मैं पापा को कॉल करती हूँ कि पापा फोन कहा रखे बोल रहे ऊपर में लेके आ गई ऐसा हुआ है बहुत बार की मेरे पापा फोन लेके हमेशा कहीं ना कहीं रख देते हैं मतलब अच्छे जगह रख रग देते है नीचे रहता है तो ऊपर लेके आ जाता है फिर मैं नीचे ढूंढती रहती हूँ कॉल कर करके और मेरी फोन हमेशा साइलेंट रहती है हाँ आप लोगों की भी रहती है कि नहीं बताना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इतने अच्छे क्यों हो देखो मैं तो अच्छी नहीं हूँ आप अच्छे हो आपकी नजर अच्छी है इसलिए मैं अच्छी लगती हूँ शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बाहर जाके वीडियो क्यों नहीं बनाते आपके ऑलमोस्ट सभी रील्स घर में क्यों होते हैं ऐसा क्यों तो बेसिकली मैं यहाँ कुछ बाहर जाने का तो अच्छा जगह भी नहीं है जगह है बट मैं नहीं जा पाती हूँ प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम नहीं बस होती नहीं है जाना एंड uh, इसीलिए घर में ही वीडियो बनाती हूँ बट मैं बस मेरा ट्वेल्थ जल्दी से ख़त्म हो जाए फिर मैं कहीं बाहर शिफ्ट होने का सोच रही हूँ एंड आप लोगों को शायद बाहर का वीडियो देखने को मिले तो आप जल्दी से प्रे कर देना कि सब अच्छे से हो जाए एग्जाम हो जाए दिन मैं कहीं और चली एंड अच्छे से आप लोगों के लिए कॉन्टेंट ला पाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट टाइम कब रोई थी लास्ट टाइम मैं शायद दो तीन दिन पहले ही रोई थी किस वजह से मैंने बताऊंगी आप लोग पूछे भी नहीं हो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आप स्कूल नहीं जाते एंड जाते हो तो सब कैसे मैनेज करते हो देखो मैं स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ मुझे इसीलिए बहुत सुनना भी पड़ता है है स्कूल क्यों नहीं नहीं जाते जाते ये वो बट या हो ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रही तो ऐसी बहुत हुई है कि अभी रिसेंटली क्यों क्या हुआ था मैं सोच के रख रही थी बहुत सारा कंटेंट मैं पोस्ट करने के भी सोच थी बट ऐसा हो गया कि घर में मेरे दादाजी का तबीयत खराब हो गया देन उनका ऑपरेशन हुआ तो इसीलिए गड़बड़ हो गई सब कुछ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया एंड घर में कुछ माहौल भी ठीक नहीं थी तो ऐसा कुछ ठीक नहीं चलता आप सबको पता ही है घर में ऐसा हुआ है तो तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पा रही बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि हर संडे वीडियो आए तो या आप लोग भी प्लीज़ मुझे बोलना कि वीडियो डालो दी वीडियो डालो ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों से मोटिवेशन होकर वीडियो बना बनाऊँ एंड पोस्ट करूँ नेक्स्ट है आप कुछ सरप्राइज देने वाली थी ना उसका क्या हुआ हाँ तो सरप्राइज भी आएगी बट कुछ टाइम रुक जाओ क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएगी आप लोगों के लिए ही है सरप्राइज मेरे लिए कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए है तो या वेट करो गाइज तुम्हें कखो न बंक गए छो अः बेसिकली पूछा आप कभी स्कूल बंक करके घूमने गए हो बेसिकली मैं ज्यादा स्कूल जाती नहीं हूँ और बंक करना तो दूर की बात मैं स्कूल जाती नहीं हूँ और जाती हूँ तो मुझे बंक करना उन्ना पसंद भी नहीं है मैं बस जाती हूँ जब काम हो जाता मैं घर आ जाती हूँ मुझे उतना घूमना पसंद नहीं है वो भी स्कूल ड्रेस पहन के ये वो है। आप आउटफिट कहाँ से लेते हो आ, मैं आउटफिट लेती हूँ इंस्टाग्राम पेजेस बहुत सारा पेजेस मुझे आउटफिट भेजते हैं वैसे मिंत्रा ये वो बहुत सारे वेबसाइट है यार आप कहीं से भी ले सकते हो बस क्वेश्चन खत्म हो गया और शायद वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है तो आप सबको वीडियो कैसी लगी है मेरी और, वीडियो। so, मुझे कमेंट करके और बी एफ बोल रहे थे ना बॉयफ्रेंड है कि नहीं नहीं है यार मैं क्या यारू अब आप, आपको लगता है नहीं है क्यों लगता है आपको ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो so, गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग लव यू एंड बाय आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करना एंड वो हिंदी वाली बातें थोड़ा इग्नोर करना यार चलो बाय बाय